बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु चिल्वाल। सो दिन की शुरुआत हो गई है और धूप भी आ गई है। आज मैं स्पेशल सब्जी जो पहाड़ों में पाई जाती है और जंगल क्षेत्र में बरसात के टाइम में इस यह सब्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसका नाम लिंगुड़े कहते हैं। हमारे यहाँ लियोना नाम से भी पहचाना जाता है इसे पहाड़ों में। तो आपको इसकी सब्जी कैसे बनती है, यह आयुर्वेदिक गुणकारी सब्जी है। तो इसके ज़्यादातर प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहो, आपको दिखाता हूँ क्या होता है, कैसी सब्जी बनती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो नए हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहना मेरे साथ। और सीधे चलते हैं आप लिंगुड़ा तोड़ने के लिए घरेरों में। आपने इस चीज़ के बारे में बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोगों ने खाया भी होगा कि लिंगुड़ा क्या होता है। यह एक आयुर्वेदिक सब्जी है जो पहाड़ों में बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादातर पानी वाले क्षेत्र में। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे होती है। जैसे ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये इसे जड़ से तोड़ के यहाँ पानी इस साइड में पानी है तो इधर ये बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे, आपको भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहो, कैसी सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पहले तो मैं तोड़ता हूँ इनको, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। ये इसके पेड़ हैं और इसमें लगे हुए हैं, इस आकार के होते हैं ये। कुछ पेड़ बड़े भी हैं, इनमें जो सॉफ्ट वाला एरिया है उन्हें तोड़ के ले जाते हैं और फिर चलते हैं घर, इनको वॉश करके फिर बनाएंगे इसकी सब्जी। देखिए इस तरह का इसका पेड़ होता है, बाद में ये पत्तियां ऐसे चौड़ी हो जाती है, चौड़े पत्ते वाली होती है ये देखिए, और इनके जड़ों में लगे रहते हैं। देखो जैसे डंडी है, ये तोड़ रखी है, ऊपर सॉफ्ट वाला हिस्सा तोड़ दिया है ये देखिए। इनमें मैंने तोड़े तो इतने निकले हैं क्योंकि अब पानी वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर ये पानी वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे घदेरों में है। देखिए लिंगड़े कहते हैं इसको और हमारे वहाँ लियोन नाम से फेमस है। चलो चलते हैं अब। कुछ तो पापा तोड़ के लाए हैं, कुछ मैं ले गया हूँ, दिखाता हूँ आपको। फिर इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह, इसके जो बाल से दिख रहे हैं आपको इसको धो के फिर इसकी सब्जी बनाएंगे काट के, दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहो। ये देखिए, कुछ तो मैं तोड़ के लाया था, कुछ पापा तोड़ के लाए थे। इस तरह आकार का होता है ये, और जिसमें बाल बाल से हैं इसे धोएंगे अच्छी तरह धो के, फिर इसको काटेंगे, फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। लिंगुड़ा सरसों के तेल में बनाया जाता है, खासकर सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। और थोड़ा प्याज डालेंगे इसमें, जीरे का तड़का लगेगा, उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे थोड़ा, दो तीन दाने, उसके बाद इसको डालेंगे, सूखी सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। देखो धोने का सबसे आसान तरीका यही है, इसको थोड़ी देर पानी में भिगाओ। पानी में भिगोने के बाद इसके जो बाल से हैं, ये आपको बाल से दिख रहे हैं जो, इसको ऐसे रगड़ के इसके बाल निकाल दो। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए थोड़ी देर हम इसको देखिए, इसे राधा अच्छे से धोने लगी है। पहले इसे अच्छे से धोएंगे, थोड़ा धोने में टाइम ज़्यादा लगता है। देखो धोने के बाद इस तरह का होता है। पूरी सब्जी देखो इतनी सारी हो रही है, ये पानी डालेंगे हम, ये पानी डालेंगे हमें पेड़ में।
साफ से एक बार और धोएंगे, हो गया फिर ले जाएंगे पैक करेंगे। मम्मी कौन लागो ते साग फल लागो यार ये साग, ये देखो इसे अच्छे से साफ करेंगे फिर जा, पहले तो इसको हम तोड़ के लाए, फिर हमने इसे साफ किया पानी में, अब देखो इसे साफ अच्छे से काटेंगे। जो गजार में क्यों जो गजार में गई धाना बाल लो चाहे अब ये सागा बाल लो नहीं आल लोड उन पैगी अरे उमा हम पढ़ के दिन में धान धान आ लोनो भम नेगी धान नेगी साग में लोनो भम क्या अरे साग में 50 रुपए 100 रुपए हो धान को चलो बाल पढ़े लिखी बा बारियन का खेड़ दिली पकवान क्या यही ने बहुत बढ़िया तो नहीं यार इन बालू नहीं बालू नहीं बात चुन बैठ इन बालू नहीं हो यो कदू बड़ी खा अच्छा करना खुला चक्कू अरे दस रोज खरीद लो सुना मैं बहुत दिन खा रही हूँ इसको तो मतलब हर कोई आदमी खाएगा तो वो बीमारी नहीं होती इसको खाएगी हाँ ये लोन जो है ना ये तो उसके लिए प्याज काटे में खोल इसके तोड़ दियो इसके निकाल दियो अब छिग के चतु छिगी ना काय नहीं करू बोली जी के रही ने अब परात धरी गई ना भरी रही परात अब उरे साग तबा को लेना ना यहां यहां ये लो ना मस्त साग रो ने ना मम्मी को सिखाएंगे पापा बहुत बड़े ना तुम कैसे करने वाला बाबू इसके करने वाले लगाड़ में लहसुन चार पांच प्याज काटेंगे प्याज के दाने प्याज काटन काशी को होटल में कदिन गचा होटल में तुम लिंगड़ी ये हम तोड़ के धो के साफ करके फिर काट दिया है। ये है लिंगड़े जिसको लियोण कहते हैं और ये है प्याज, ये लहसुन, ये हरी मिर्च है। और अब चलते हैं सीधे हम इसे बनाएंगे आग में, लोहे की कढ़ाई में सीधे चलते हैं अब अपनी रसोई में, वहाँ बनाते हैं इसकी सब्जी। ये है सरसों का तेल और ज्यादा डाला जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा ही तेल लगता है क्योंकि इसमें पूरा तेल में बनाया जाएगा इसको। ये हो गया तेल गरम, इसमें डालेंगे आप जीरा, तो इसमें डाल देंगे हम लहसुन, हिलाएगा इसमें डाल दिया है प्याज भी, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब पहले हमने आग जलाई, फिर लोहे की कढ़ाई देखी, फिर जीरे का तड़का, फिर लहसुन डाले चार पांच दाने, उसके बाद प्याज फ्राई हो रहा है, उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च जो हमने काट रखी है, उसके बाद डलेगा इसमें ये लिंगड़ा लिंगड़े लियोन
और मसाले आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। इसमें तो हमने हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर यही ऐड किया है। ये देखिए, तो थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तेल ज़्यादा लगता है इसमें, ये वाली सब्जी में तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये तेल में ही पकाया जाएगा। इतना ज़्यादा भी नहीं लगता है, देखो पक जाती है जल्दी सब्जी, पक जाती जल्दी। आज राधा बना रही स्पेशल लिंगड़े की सब्जी। अब बरसात शुरू हो जाती है पहाड़ों में, तो हमारे वहाँ भी ये सब्जी अब शुरू हो जाएगी, वो सितंबर अक्टूबर तक, 3-4 महीने बहुत ज़्यादा चलती है सब्जी। ये देखिए, आधा घंटा हो गया हमें पकाते पकाते, आधा घंटा और लगेगा इसमें, हल्की आंच में पकाया जा रहा है। हल्की आंच में पकाया जा रहा है। फाइनली 1 घंटे के बाद हमारी सब्जी तैयार हो गई है। देखो सूखी सब्जी है, इसमें आप तरी बनाने के लिए इसमें दही भी डाल सकते हैं, मट्ठा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सूखी बनाएंगे। निकाल दो, पक गया, बता पक गया करके अम्मा बताएगी। कौश है रो, बढ़िया है रो, बहुत बढ़िया हुआ है।